फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 48 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 54 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3। इसे करने के लिए हमें फैक्टर ट्री की जरूरत पड़ती है। अगले प्रॉब्लम में प्राइम फैक्टराइज करना है। सो 156 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ, इट्स वेरी इजी। 2 कितना बार में आएगा, इधर 7, 8। ये कितना बार में आएगा, 78, 39। ये हमेशा प्राइम नंबर लेना है आपको, 2 से शुरू करते हुए 13 और कोई नंबर नहीं आएगा। सो 156 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 13। दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स। दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम। ऑर्डर आप कहीं भी कर सकते हैं, 13 को पहले लिख सकते हैं, 3 को बाद में, दैट डजंट मैटर। मगर ये जो है हमेशा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ही रहेंगे। सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ 84 के साथ है। 84 2 4 2 2 1। अब देखिए 2 नहीं होगा, तो 3 7 सारे प्राइम नंबर्स डन। हमारा 2 × 2 × 3 × 7 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक कहता ही है कि प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं 84 को। कर दिया मैंने। इस प्रॉब्लम में हम HCF इंटू LCM निकालते हैं, जो कि दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसे निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे 336 और 54 का HCF 6 और LCM 3024 होता है। जब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 18144 मिलता है। इस होमवर्क वर्कशीट में हमने LCM और HCF के एप्लीकेशंस प्रॉब्लम्स दिए हैं जो आपको बनाने हैं। प्राइम नंबर निकालने के लिए हम सीव ऑफ इराटोस्थीन्स एल्गोरिदम का यूज करते हैं, जिसे हर प्राइम नंबर के मल्टीपल को क्रॉस करते हुए जो नंबर बचता है उन्हें लिखते हैं। अब जैसे इस सवाल में आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। ये सवाल हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग LCM निकालें या HCF, हमें प्राइम फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। सो 12 प्राइम नंबर खोजिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसे डिवाइड करता है, 2। अब 12 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 6, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए तो होगा 3। यहाँ और कोई प्राइम नंबर बचता नहीं, सो 12 को हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3, ऑल आर प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज 15, 15 को 2 से हम लगा नहीं सकते इसलिए 3 से शुरू करेंगे। बिल्कुल लगा सकते हैं, 3 × 5, तो 15 बन गया 3 × 5। उसी प्रकार बनाएंगे 21 में 3 × 7, 21 is 3 × 7। यहाँ तक बस हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। सबसे पहला काम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो है 3। और कोई नंबर देखिए कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियसली HCF में नहीं आएगा। सो HCF में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में है वो है 3, इसलिए HCF हो गया 3। और LCM जो हो गया 3 तो लेंगे ही, बाकी जो बच गया उनको भी ले लेना है, 2 × 2 5 × 7। तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, 420। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं LCM और HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन।
अब हमारे पास आता है एच सी एफ और एल सी एम। ये जो है इस फॉर्मूला पे बेस्ड है जो अभी आपने देखा था, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो सबसे पहले एच सी एफ, एच सी एफ देखिए 306 इंटू 600, सॉरी एच सी एफ देखिए दोनों नंबर का 9, एलसीएम देखिए कितना है नहीं पता, तो एलसीएम को हम एलसीएम ही लिख के छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 306 इंटू 657, तो एलसीएम का वैल्यू क्या हो गया 306 इंटू 657 बाय 9। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट करके आएगा वही एलसीएम होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 9 के टेबल में देखिए 306 कितना बार में आता है, उसको 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। अगले प्रॉब्लम्स में देखिए कि कैन 6 टू द पावर n एंड्स विथ डिजिट 0, क्या 6 का पावर में कोई भी नंबर 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3 किसी में भी 0 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ 36 एंड 6 फिर 6, हर बार आपको 6 ही मिल रहा है, मगर इतना करने से नहीं होगा, हमें साबित करना होगा कि क्यों। सो 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब देखिए हमें लाना है डिजिट 0, 0 डिजिट तभी आएगा जब 10 का वो मल्टीपल बने, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10 ही है। अब 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो अगर तो प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 आ जाए तो वो एंड करेगा 0 पे। चेक कीजिए प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कितना है 2 एंड 3, बट टू एंड विथ डिजिट 0 we should have factors 2 and 5। हमारे पास मिला 2 and 3, लेकिन हमको चाहिए था 2 and 5, इसलिए 6 to the power n cannot end with digit 0। आखिरी अंक में, अंतिम अंक में शून्य नहीं हो सकता, यहाँ पे ये साबित होता है। ये प्रॉब्लम भी प्राइम फैक्टराइजेशन पे डिपेंड करता है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर अब तक हमने जो पढ़ा, जो भी पढ़ाई किया वो है इंटीजर, इंटीजर का एचसीएफ और एलसीएम, इंटीजर का जो भी चीज हमने निकाला, चाहे वो लॉन्ग डिविजन मेथड हो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो। इन केस अगर नंबर फ्रैक्शन है तो क्या हम एच सी एफ और एल सी एम निकाल सकते हैं? और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए एच सी एफ और एल सी एम कैसे निकालेंगे? सपोज हमारे पास दिया है 0.24 एंड 3.6, देखिए ये डेसिमल फ्रैक्शन है, मैंने पहले ही बताया था डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि एचसीएफ बताओ इन दोनों का, तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमसे पूछा है एचसीएफ वो निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। अच्छा इस पॉइंट को हटा के हम लिख सकते हैं 0 0, पॉइंट को हटा के हम लिख सकते हैं 10, ठीक है। तो हम एच सी एफ निकालेंगे 24 और 36 का, और एल सी एम निकालेंगे जो नीचे है 100 और 10 का, जो आंसर आएगा वो बन गया। आपको पता है कि एच सी एफ 24 और 36 का आपको इसी भी मेथड से निकालिए तो आपको मिलेगा 12, और एल सी एम निकलेगा 100, इसलिए आंसर हो जाएगा कट के 0.1।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर हमसे एलसीएम पूछता है तो क्या करते हैं, पहले हम ऊपर में एलसीएम निकालते हैं किसका, 34 एंड 36 का, और नीचे निकालते हैं एचसीएफ किसका, जो नीचे है 100 और 10 का। तो आपको पता है कि 24 और 36 का एलसीएम क्या होता है, निकाल लेते हैं, नहीं पता तो 12 2 3 12 2 जो 24 24 3 जो 72, यानी 72 है। और एचसीएफ क्या होगा जो छोटा है 10, क्या निकला 7.2। याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर फ्रैक्शन हो तो किस प्रकार निकालेंगे। अभी तो मैंने डेसिमल फ्रैक्शन में निकाला, आपके लिए एक होमवर्क है कि अगर 2/7 हो और 4/21 हो तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाइए। एचसीएफ और एलसीएम, अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर में एचसीएफ, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम, नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ।